नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाला हूं आपको मच्छर जाली जो विंडो में बनाया जाता है किस तरह से उसका प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरह से कटिंग वगैरह बनाना वगैरह पूरा ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और हमारा सेक्शन है 2550 का है, जिंदाल एल्यूमिनियम है 2-1 का। और विंडो सब हम लोग के तैयार हो गए हैं लगभग, और मच्छर जाली उसमें पूरा किस तरह से फ्रेम वगैरह जोड़ते हैं बनाते हैं, तो आपको पूरा ए टू जेड प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग दोस्तों माल कटिंग हो चुका है, सब रेडी है और फ्रेमिंग अपना तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो आइए दिखाते हैं किस तरह से स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं, फ्रेम जोड़ते हैं, उसके अंदर मस्किटो नेट कैसे इंस्टॉल करते हैं, पूरी जानकारी आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा फ्रेम बन रहा है, कम से कम 5 से 6 मच्छर जाली है दोस्तों, विंडो भी 5-6 विंडो है, सब विंडो लगभग तैयार हो चुका है। मटेरियल ग्लास वगैरह फिटिंग करना बस बाकी है। देखिए हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है और दूसरा आप तैयार करने वाले हैं। देखिए हमारा पाउडर कोटिंग किया हुआ है, पीपी कलर है, वाइट पीपी कलर, पाउडर कोटिंग से बेस्ट आता है ये कलर। और जिंदाल सेक्शन का एल्यूमिनियम है हमारा। देखिए बैरिंग फिटिंग है, ऊपर का नीचे रखा हुआ है, ये लॉक का खांचा देखिए कटिंग किया हुआ है, 6 इंच का लॉक है आएगा इसमें। फिनिशिंग वगैरह भी अच्छा है। ये हमारा पूरा फ्रेम बन करके तैयार है और दूसरा फ्रेम हम लोग अब बनाते हैं। देखिए पूरा फ्रेम रेडी है सब, और स्क्रू हम लोग टाइट कर रहे हैं अभी। 75-10 का स्क्रू लगता है दोस्तों, इसमें 2550 के सेक्शन में 75-10 का स्क्रू रहता है, स्टार स्क्रू है। ये देखिए हमारा बैरिंग बॉटम, बैरिंग वगैरह लगाया जा चुका है। ये देखिए बैरिंग लगा हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी वाली बैरिंग है ये, 2-1 सेक्शन का ये बैरिंग बॉटम है, और ये बैरिंग भी बेहतरीन क्वालिटी की बैरिंग है। ये हमारा पूरा मटेरियल विंडोज का रेडी है, सिर्फ ग्लास फिटिंग करना है इसमें। ये देखिए सब हैंडल इंटरलॉक सब रखा हुआ है, ट्रैक वगैरह होल पंचिंग वगैरह कर दिया गया है, लॉक वगैरह भी हो चुका है। ये देखिए हम कुछ इस तरह से पहले फ्रेम हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये हमारा ट्रैक भी साइड ट्रैक है विंडोज का, एक तरफ से काटा हुआ है खांचा उसका, 5 ट्रैक सब विंडो है, 4 ट्रैक 5 ट्रैक, 3 कांच 1 जाली, 4 कांच 1 जाली, ऐसे करके फ्रेम का बनाया था। देखिए हमारा फ्रेम बनने के बाद में दोस्तों मच्छर जाली इंस्टॉल किया जा रहा है किस तरह से, एल्यूमिनियम क्रोम मच्छर जाली हो रहा है। नहीं तो मैं डबिंग करूंगा ना, आवाज रिकॉर्डिंग वो कर लूंगा। देखिए हमारा जाली इंस्टॉल हो रहा है, आवाज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा दोस्तों। पहले सबसे पहले फ्रेम बनाने के बाद में इस तरह से हम लोग जाली इंस्टॉल कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से। जो अंदर अंदर का गाला रहता है दोस्तों, अगर मैं आपको साइज बता दूं तो अंदर अंदर के गाले को उसके बाहर बाहर हमें 2 इंच लगभग बड़ा मच्छर जाली काट लेना चाहिए, जिससे जाली छोटा नहीं होगा। इसको हम इस तरह से बैंड करके और काट कोना वगैरह से यूज करके इस तरह से हम लोग इसको इंस्टॉल कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं जाली को। ये
नहीं दिखाएगा। हम जाली को दूसरे से एंगल से काट लेंगे दोनों तरफ से। देखिए हमारा सब लगभग 5 से 6 मच्छर जाली है, फ्रेम सब रेडी है, सिर्फ जाली इंस्टॉल करना है। फिनिशिंग में पीपी कलर का दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लुक आता है। देखिए कुछ इस तरह से आपको गिन के देख रहे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 मच्छर जाली है, छठा भरा जा रहा है। ये हमारा जाली लगभग हो चुका है और अब इसके अंदर हम लोग यू चैनल मारेंगे। देखिए ये हमारा 3/8 का यू चैनल है। देखिए साइज का हम लोग कटिंग कर लिए हैं और उसमें 3 होल मार लिए हैं। देखिए 3/8 का यू चैनल है और इसके अंदर 3 होल कर लेते हैं 3 स्टिचिंग के पाने से। देखिए इस तरह से लगभग 6 फीट का चैनल है, उसके अंदर कम से कम 3 से 4 होल मार लेते हैं और जो 2.5 फीट का उसमें कम से कम 3-2 भी मार सकते हैं। ज़्यादा स्क्रू रहता तो जाली अच्छे से टाइट होता है। देखिए स्क्रू को टाइट कर रहे हैं हम लोग 3 होल के अंदर में। दोस्तों ड्रिल मशीन की बात करें तो ये बैटरी वाली मशीन है। देखिए आप बोलेंगे कि लाइट जल रही है, ये ड्रिल मशीन बैटरी वाली है, इसमें कोई पावर का वो कनेक्शन नहीं है, चार्जिंग किया जाता है इसे। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसमें बत्ती जलता है। इसको टाइट इसी से किया जा रहा है इस समय। देखिए हमारा 3 साइड में यू चैनल मार दिए हैं, जो 4th साइड में डालने वाले हैं। ये हमारा लेंथ का जो छोटा वाला यू चैनल है इसके अंदर 3 होल मारा हुआ है, 3 होल। देखिए कुछ इस तरह से डाल देंगे इसे और इसको इंस्टॉल करने के बाद में हम इस तरफ भी इसको टाइट कर लेंगे। देखिए बिना यू चैनल के इस तरह से ढीला रहता है, यू चैनल मारने के बाद में जाली एकदम टाइट हो जाएगा अच्छे तरह से। देखिए सभी जाली भर दिए हैं हम लोग, 4 से 5 जाली सब भर दिए हैं। अब इसमें यू चैनल मारा जा रहा है। और ये हमारा जाली सब हो चुका है लगभग कंप्लीट। ये देखिए आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ जूम करके, तो इस तरह से हमारा मच्छर जाली देखिएगा भरने रेडी होने के बाद में। और हम लोग का मच्छर जाली सब टाइट हो गए, कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा वीडियो मच्छर जाली के ऊपर किस तरह से बनाते हैं। पूरा हमारा जाली कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम लोग साइड में रख देने वाले हैं। ये देखिए एक बार आपको सब चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ। देखिए हमारा सब जाली हो चुका है फिटिंग, अब ग्लास फिटिंग किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो का एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।